ये कोई बैन कोहन के नाम से फर्स्ट टाइम आया है जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी जी भैया, साहब, आप क्या हाल है? कैसे हैं गालिब भाई? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? आपसे मेरी आई एम बात गुड, आई हुई एम है गुड। पहले कभी? नो, दिस इज माय फर्स्ट टाइम हियर। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, और एक सवाल था जो मेरा, मैं काफी अरसे से सोच भी रहा था उसके ऊपर, एंड आई थॉट कि आपसे डिस्कस कर लूँ। वो इस तरह है कि कुरान की एक आयत है कि ये सूरह तोबा की 30वीं आयत है। वो आयत इस तरह है कि वकालत यहूद उजैर इब्न अल्लाह वकालत नसार अल मसीह इब्न अल्लाह ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفقون। इसमें ये कहा जा रहा है कि, और यहूदी बोले कि उजैर अल्लाह का बेटा है, और नसरानी बोले मसीह अल्लाह का बेटा है। ये बातें वो अपने मुंह से बकते हैं, अगले काफिरों की सी बात बताते हैं, अल्लाह इन्हें मारे कहाँ औंधे जाते हैं। अच्छा, अब हमें ये तो पता है कि तारीखी तौर पर जो ईसाई हैं या नसारा हैं वो हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं, और अरब में और शाम में उस वक्त वो जो कनान का या फलस्तीन का जो इलाका था या वहाँ पर भी इनका यही अकीदा था। और ये सारी बातें अरब में, अरब के जो ईसाई थे जो मक्का और मदीना में जो रह रहे थे, उनका भी यही बिलीव था। तो एक नेचुरल सी बात है कि समझ आता है कि अरबों, जो अरब के पैगन्स से जो वहाँ पर रह रहे थे, उनको पता था कि ईसाइयों के क्या बिलीव है। तो इस्लाम आने के बाद जब पैगंबर इस्लाम ने जब तबलीग शुरू की, तो उन्होंने अपनी जो टारगेट ऑडियंस सेट की, जाहिर बात है पहले वो, चूंकि वो अपने आप को इब्राहिमी मजाहब से जोड़ रहे थे कि मैं इब्राहिम, ये इब्राहिमी मजाहब का ही तसलसल है, तो उस सिलसिले में उन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस जो ईसाई और यहूदी थे उनको हिट किया, और उसपे उन्हें ब्लेम किया कि ईसाई जो है वो जो ईसा है उनको खुदा का बेटा कहते हैं। लेकिन अब चूंकि वहाँ ईसाइयों की जितनी तादाद ईसाइयों की थी, उतनी ही तादाद वहाँ पर यहूदियों की भी थी, तो यहूदियों को भी जाहिर बात है एक ऐसा एक ब्लेम चाहिए था कि यहूदी जो है उनकी भी अकायद को हिट किया जाए। तो यहूदियों के बारे में ये कहा गया कि यहूदी जो है वो उजैर को खुदा का बेटा मानते हैं। अच्छा, अब इसमें बड़ी मजेदार बात यह है कि गालिब भाई, के मेरी अमेरिका में भी और यरूशलेम में भी मुख्तलिफ रबाई से इस हवाले से बात हुई है। मैं जुडिज्म को बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ, तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे डिडंट नो अबाउट उजैर, हुआ उजैर, बिकॉज वो आपको पता है अरबी जो नाम है उनको नहीं पता। तो देन आई टोल्ड देम के उजैर जो है बेसिकली अजरा, बिब्लिकल नेम जो है वो अच्छा अजरा है। तो उनसे मैंने हाँ सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि जिस तरह ईसाइयों का ये अकीदा है, तो आप लोगों का भी क्या यही अकीदा है कि उजैर जो है वो खुदा का बेटा है? तो अभी गालिब भाई, इतना मजेदार जवाब है उनका, है वो उन्हीं क्या हैरान उनका एग्जैक्टली उनका वो, उन्होंने ये कहा कि जी, हमारी 4000 साल की तारीख के अंदर कोई भी ऐसा यहूदी कबीला या ग्रोह या कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा जिसका ये यकीदा हो कि खुदा की जात के अलावा खुदा के साथ किसी और शख्स को जोड़ा जा सकता है, या उसका कोई बेटा हो सकता है, या कोई एंटिटी हो सकती है। हमारा हमारे अकायद के अंदर खुदा सिर्फ एक वाहिद जात है जो कि एक सुपर नेचुरल बींग है। उसके बाद बाकी जितने भी लोग हैं, जो चाहे वो नबी हैं, चाहे वो सेंट हैं, चाहे वो जो भी हैं, वो सब आम इंसान है। इससे ज्यादा हमारा और कोई अकीदा नहीं है। अब मैंने यही सवाल, अब चूंकि ये कुरान में आ गया, तो जारी बात है मुसलमान इससे बात नहीं करते, मुसलमान इससे बात करते हुए झिझकते हैं। तो मैंने यही सवाल मैंने मुख्तलिफ उलमा कराम से भी यहाँ पर किए, पूछे कि भाई, यहूदियों का ये अकीदा है, वो खुद कह रहे हैं कि हम किसी को खुदा का बेटा नहीं मानते, तो आप क्यों एक जबरदस्ती एक चीज उनके ऊपर नथी कर रहे हैं कि जी वो ईसाइयों की तरह जो है ना किसी एक शख्स को जो है ना खुदा का बेटा मानते हैं? एंड बिलीव मी गालिब भाई, किसी के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं। और कुरान हाँ, के इस ऊपर बात अगर किसी ने, का और अगर किसी ने अपने अपना स्केप्टिज्म अपना रखना है, तो मेरे ख्याल इससे बेहतरीन आए कुरान के अंदर कोई भी नहीं। खैर, वो अब मैं साइंटिफिक हवाले से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये तारीखी हवाले से, तारीखी एक वाक्य जिसको कोट किया जा रहा है और हजरत ईसा के साथ जोड़ा जा रहा है इसी सेम अकीदे को, तो इस हवाले से किसी के पास यहाँ पर, किसी आलिम के पास, ये किसी आयत के पास नंबर जवाब क्या नहीं। थी जी? ये आयत नंबर क्या थी? बकरा की ये सूरह तोबा की आयत नंबर 30 है, सूरह तौबा? सूरह यार तोबा देखते आयत हैं, नंबर 30। ये मक्की थी कि मदनी थी? आयत नंबर 30 है? ये आयत नंबर 30 है ये। कोई पता चलता है मक्की थी कि मदनी थी? अब ये देखते हैं जरा, ये क्योंकि सूरह तौबा आयत नंबर 30, ये एक सेकंड, अब शाने नजूर में ढूंढना पड़ेगा। खैर देखेंगे, ये इंटरेस्टिंग बात है, मगर मैं कुछ बातें आपको अभी नोट पॉइंट आउट करता हूँ।
जी पहली तो बात ये अच्छा, है कि सॉरी सॉरी गाली भाई, वन लास्ट थिंग, एक इसके बाद बेशक मैं आपको तसली सुनूंगा, मैं जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने, अब जाहिर बात है इंसान खुद सोचता है, आपको जाहिर बात है किताबों में तो ये चीजें नहीं मिलती हैं, तो फिर जब खुद सोचा तो यही पता लगा कि यार जब ये एक एक ये एक अकीदा या एक मजहब या एक कल्ट लॉन्च किया गया तो जाहिर बात है उसमें लोगों को हिट करना था, उनके अकायद को गलत साबित करना था, तो उसमें उस वक्त जो रह रहे थे वहां पर अहले किताब, जाहिर बात है जो जिनका सब उस वक्त जो स्टेक होल्डर से ज्यादा इब्राहिमी मजाब के ऊपर, तो उनमें यहूदी सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे, तो अरब के लोगों को जो पैगन्स भी थे और जो जो साथ रहने वाले जो दूसरी अकवाम थी, उनको दिखाने के लिए कि भाई हम जो अकीदा दे रहे हैं तौहीद का वो सबसे प्योर है, हमारे अलावा जो ईसाई और जो यहूदी हैं इन्होंने अकीदा तौहीद अपनी किताबों में तो मिलावट की है, लेकिन अपने अकीदा तौहीद के अंदर भी इन्होंने मिलावट की और खुद ये इन्होंने खुदा के साथ खुदा के बेटों को जोड़ दिया है, तो वो उस टारगेट ऑडियंस को उन्होंने सेट किया। और मैं हैरान होता हूँ कि उस जमाने के यहूदी भी अपना सर पकड़ के बैठे होंगे कि या ना हम इस बात को मानते हैं, ना हमारा कोई ऐसा अकीदा है, और ये देखें हमारे साथ कैसी बातें जो है ना जोड़ी जा रही हैं। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि रसूलुल्लाह जब मदीने में गए, मुसाफ मदीना लिखा गया, तो मुसाफ मदीना में यहूदियों के 9 ग्रुप्स का नाम है, 9 कबीले आप कह सकते हैं। ओके ठीक है, यानी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स 9 है जिनका मुसाफ मदीना में जो है ना वो है वजूद। और हदीसों के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि उनके पास तौरात भी थी, जैसे एक हदीस है कि एक जानी और जानिया यहूदी थे दोनों, उन्हें जी उन्हें लाया गया हजरत मोहम्मद के पास। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद से उन्होंने पूछा कि क्या सजा है, तो उन्होंने कहा जी हमारी किताब में तो इनकी सजा ये है कि मुंह काला करके गधे पे बिठाओ और पूरे पूरे शहर में घुमाओ। से छुपा रहा है वो, ये कहते हैं कि उंगली से छुपा लिया उसने। ठीक है, तो वो वाली जो थी, तो वो तौरात भी ले आए। ठीक है, और उन्होंने पढ़ के सुनाई और रजम की सजा तौरात में निकली। ठीक है, जारी बात है वहां पर। अब एक और बड़ी मजे की बात है, ये यहूदियों से रिलेटेड और ये तमाशा सारे का सारा जो है ना, 9 कबीले थे और इनको ये नहीं पता था कि वो 9 के 9 किसी अजरा को खुदा का बेटा नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि नहीं मानते। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात है कि मैं आज तबरी पढ़ रहा था तो मैं एक बात पे बड़ा हैरान हुआ जो कि मेरे पॉइंट कभी जेहन में नहीं आया था पहले, कि जी रसूल अल्लाह शाम आते जाते रहे, मगर मेरे जहन में नहीं है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि रसूल अल्लाह कभी मदीने गए हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि अपनी नबूवत के ऐलान से पहले नहीं गए मदीने कभी भी। ठीक है, अब 12 बंदे आए, 12 सरदार आए मदीने से, वो आके वो मिले रसूल अल्लाह से, उन्होंने बैत की, वो चले गए वापस। ठीक है, और जब वो आए तो वो अब्बास को पहचानते थे, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को, और हमजा को भी वो पहचानते कि हमजा और अब्बास दोनों मदीने जा चुके हैं और रसूल अल्लाह कभी मदीने नहीं गए थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने किसी से पूछा कि हमने रसूल अल्लाह से मिलना है, तो उन्होंने कहा कि जी आप रसूल अल्लाह से मिल सकते हैं, वो वहां पे काबा के अंदर, काबा के पास जो है वो बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठे हुए हैं। तो वो गए तो वो मिले वो 12 बंदे रसूल अल्लाह से। ठीक है, तो मैं उस वक्त मेरे जहन में ये आया कि उन्होंने कहा कि हाँ उन्होंने अब्बास को देखा हुआ था क्योंकि अब्बास मदीने गया था। ठीक है, ठीक है, तो जी अब मजे की बात ये है कि रसूल अल्लाह जो है वो कहीं भी नहीं मेंशन कि रसूल अल्लाह मदीने नहीं मदीने गए थे, हालांकि कहते हैं कि मक्का से जब भी कोई जाता था शाम तो वो मदीने में जाता था, तो रसूल अल्लाह शाम में तजारत करते रहे हजरत खदीजा के माल और असबाब की, तो मदीने क्यों नहीं गए रसूल अल्लाह, सोचने वाली बात है। Exactly, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल आपका। दूसरी बात ये है कि बनु कुरैजा का कत्ल हुआ उनका, अब देखें अब ये स्टोरियां झूठी कैसे कैसे पड़ती हैं जी, सारे कबीले निकाले गए हैं मदीने से। ठीक है, उनका मालो असबाब रख लिया गया, वो निकाल दिए गए हैं। ठीक है, बाकी के जो कबीले थे वो उन सबको अपने हाथों में जो वो चीजें ले जा सकते थे वो ले गए, बाकी की वो इधर ही छोड़ गए। समझ आ रही है बात? सही है जी जी, सुनो सुनो। अब एक हदीस से हमें ये भी नुक्ता मिल रहा है कि उनके पास तौरात थी जो मंगवाई गई, जिसके मुताबिक जानी और जानिया को सजा दी गई। ठीक है,
तो क्या बनू कुरैज़ा जब मरे हैं सारे और उनके घर उनका माल असबाब उनकी बीवी बीवी बच्चों को उन्होंने तौरात उठा के साथ गुलामों को ले जाने की इजाजत नहीं दी थी ना, तो वो तौरात हथे लगी थी इनके के नहीं लगी थी? क्वेश्चन ये है पूछने वाला, तौरात तो थी ना, इतने कबीले पहले तौरात से फैसला किया है तो कैसे नहीं लगी? सोचने वाली बात है, बिल्कुल सोचे ना। लेकिन लेकिन वो तौरात अगर थी तो किधर गई थी? कहीं तारीख में उसका जिक्र नहीं मिलता कि वो तौरात फिर कहाँ गई जब यहूदी निकले तो। ये तो आप आपकी वही बात बिल्कुल सही होती है कि कहानियां जब घटते हैं तो उसमें जारी बात है उसमें कोई ना कोई झोल रह जाता है। जब उसमें फैसला सुनाया जा रहा है तो रात की रोशनी में कि संसार किया जाएगा, तो जब बनू कुरैज़ा को सजा दी जा रही थी तो उसमें ये तौरात या तो इस तौरात के मामलात को या इसकी इसकी इसके अहकाम को या इसको पेश क्यों नहीं किया गया? बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें जो मुस्लिम कॉलेजेस कहते हैं नहीं, जब बनू कुरैज़ा को सजा दी जाती है तो उस पर भी ये कहते हैं कि उनको सजा उनकी उनकी किताब के मुताबिक दी गई थी। तो भाई उनकी किताब किधर गई बताए मुझे ना कि वो गई किधर। भाई देखें, बनू कुरैज़ा आपने सारे मार दिए, उनके जो माल इस्बात थे आपको मिल गए, उनके खेत खलिहान आपको मिल गए, उनके किले मुसलमानों को मिल गए, तो भाई फिर वो गई किधर? आपने सब कुछ ही मिल गया तो तौरात भी निकली होगी और भी किताबें उनकी निकली होंगी, बारी जलवाया था। बल्कि उमर ने तो वो मिस्र की सारी लाइब्रेरी तक को आग लगवा दी थी। तो ये आप जब अपने कुरान जला सकते हैं तो तौरात जलाने के लिए क्या मसला, उसको तलफ करना इनके लिए क्या मसला होगा? तो उन्होंने जलवा दी होगी, वो बात आपकी ठीक है, जला दी हो सकती है, मगर प्रॉब्लम ये है कि जलाने का जिक्र क्यों नहीं है फिर कहीं? दूसरी बात है कि जला दी होगी, जलाने का जिक्र नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर आपने आपको मिली थी और आपने उसका जिक्र कहीं नहीं किया तो इसका मतलब है आपने छुपाई है वो, बिल्कुल। और अगर आपने पढ़ी है तो फिर आपको पता है कि अजरा जो है वो नबी नहीं हो और अजरा खुदा का बेटा नहीं है, फिर मसला यह है कि कौन है? जैसे अब वो यहूदी था ना, क्या उसका नाम था यार उस बंदे का, मेरे जहन से निकल गया, अब्दुल्ला बिन पता नहीं क्या करके नाम था, जिसने जिसने हाथ से जिसने छुपाई हुई थी आयत उसने हाथ हटा दिया था और उसने फिर वो आयत पढ़ी थी आयत रजम और फिर उनको रजम किया गया था, तो वो पढ़ना भी जानता था कि तौरात कैसे पढ़ी जाती है, ठीक है? तो अब सोचने की बात है कि मुसलमान फिर ऐसी बातें बैठ के कुरान कहीं और बाद में घड़ा गया है या ये कहानियां बाद में घड़ी गई हैं, अब बताएं मुझे, हम फैसला करें तो किस बात पे करें? मैं खुद भी यही कह रहा हूँ कि अगर ये जो आपकी वाली बात है कि ये आयत बाद में अगर कुरान में डाली गई है तो वाकई ही लगता भी ऐसा है, यह सिनारियो भी ऐसा ही क्रिएट होता है कि ये आयत कुरान में बाद में डाली गई, क्योंकि अगर उस वक्त ये बात कही गई होती या कहा कुरान में डाली गई होती तो उस वक्त जो यहूदी मक्का मदीना में रह रहे थे तो उन्होंने आके एतराज करना था कि ए मोहम्मद या अल्लाह रसूलुल्लाह जो आप ये बात कर रहे हैं, हम में से आज तारीख के 4000 सालों में 3000 सालों में किसी ने आज तक इस तरह का अकीदा नहीं रखा, तो आप हमारे बारे में एक ऐसी बात जो हमने कभी की नहीं है कि हमसे क्यों मंसूब कर रहे हैं? तो वो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात, इब्ने मरियम ने नाम दिया अब्दुल्लाह बिन सलाम उस बंदे का नाम, अब्दुल्लाह बिन सलाम, अच्छा हाँ, वो यहूदी से मुसलमान हुआ था असल में। तो ये इनके इनके लिए सोचने के लिए सिर्फ फूड फॉर थॉट यही एक इनफ है कि यार एक एक आपकी आपके सबसे मोतबर किताब के अंदर एक ऐसी बात की जा रही है किसी एक ऐसे मजहब या एक ऐसे अकीदे के बारे में जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं है कि वो इस तरह का अकीदा रखते हैं, तो आपकी अपनी किताब या अपने अकीदे के गलत होने के लिए आई गेस यही दैट्स मोर देन इनफ। तो यही बात है ना कि अब ये असल में इस्लामी तारीख जो है ना वो जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में मडी द वाटर, वो करती है बस। असल में कुरान की तफसीर जो है ना वो इस तारीख के और हदीस के बगैर मुमकिन नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि कुरान की कोई बंदा इनके बगैर पढ़े तो मैं कहता हूँ उसको कख भी पल्ले नहीं पड़ेगा, उसको एक एक देला भी उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, इतनी एम्बिगस और इतनी फजूल किताब है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम ही ये आगे उन्होंने ये बात में बैठ के पता नहीं कैसे लिख छोड़ी है, मैं तो खुद हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर यार। मैं कहता हूँ आप ध्यान से दो सफ़े इनकी चार हदीसें आप पढ़ें, कोई सिर्फ एक सफ़ा तबरी का पढ़ लें, दो सफ़े पढ़ लें, आपको 10 मसले मिलेंगे।
قرآن کا ایک صفحہ پڑھیں آپ کو 10 ملیں گے, آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو 20 ملیں گے. مطلب کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو 2+2=4 کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ہو جائے. میں نے غالب بھائی, میں نے چونکہ میرا تو پیدائش ہماری بریلوی خاندان میں ہوئی, لیکن بعد میں نے اہل حدیث کنورٹ ہوا, اہل حدیثوں میں نے بہت عرصہ گزارا, اور اہل حدیثوں کے ان کے اہل حدیث کے بعد مولد ہو جاتے ہیں. نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ذہنی ارتقا ہوتا ہے انسان کے, لوگ کہتے ہیں جسمانی ارتقا, انسان کی سوچ کا بھی ارتقا ہوتا ہے. میں پھر اہل حدیثوں کو جو میں نے مذاکن بات کر رہا ہوں, مجھے میں مجھے شیعہ اس نے انفلوئنس کیا. لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں کہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم ہے, اس کے اندر اگر آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث کے نیچے, حدیث کے ساتھ اس کی نیچے جو اس کی جو متن ہے یا تفسیر ہے وہ لکھی جاتی ہے, اور اس میں مختلف جو عصر حاضر کے جو علماء ہوتے ہیں وہ اپنی 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 بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر امام بخاری نے ایک حدیث لکھ دی ہے تو آج کا دور کا جو بخاری چھپے گی تو اس کے اندر جو آج کا دور کا جو عصر حاضر کا جو کوئی اتھینٹک ملا ہوگا وہ اپنی بیچ میں لائن ڈال دے گا. تو اب ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل بات کرتا ہوں کہ اگر رفع یدین صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں صحیح ستہ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جی جائز ہے حلال ہے, وہ کبھی منسوخ نہیں ہوا رفع یدین کی نماز میں جو حال اٹھاتے ہیں, آج سوائے اہل حدیثوں کے نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ حنفی نہ مالکی نہ شافعی کوئی بھی رفع یدین نہیں کر رہا, اور سب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ منسوخ ہو گیا. اب اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی آپ حدیث لے کے آئیں یہ منسوخ ہو گیا, وہ حدیث پیش نہیں کرتے, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جی رفع یدین ختم ہو گیا. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ ایک مستند حدیث ہے اور نماز ایک بنیادی چیز ہے اسلام کی, وہ ایک بنیادی عمل نہیں کر رہے, ایک مستند حدیث کو سارا عالم اسلام نہیں مان رہا, تو پھر اس حدیث باقی حدیث رہ جاتی ہے. یہی تو بات ہے نا, یہی تو باتیں ہیں نا, یہ سارا کچھ اس طرح ہی ہے, اپنی مرضی سے جو کچھ کر دیا. دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ یہاں سے ایک چیز اچھی لگی یہاں سے اٹھا لی, وہاں سے ایک چیز اچھی لگی وہاں سے اٹھا لیا, مطلب ایک بنا دیا ایک چیز عقیدہ بنا دیا. 1400 سال سے ایوالو ہوتے ہوتے آج یہ ہمارے پاس ایک ٹوٹو کا مربع میں ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج کوئی تھوڑی سی بات کرتا ہے تو سرطن سے جدا ہے تو فلاں ہے. انہوں نے دمشق کے محلات میں بیٹھ کے قرآن لکھا اور بغداد کے محلات میں بیٹھ کے حدیث اور تفسیر اور تاریخ لکھی, بس یہ تماشا سارے کا سارا. یہ بس ایک آخری بات, بس ایک آخری بات کروں گا غالب بھائی یہ آپ دمشق کے بغداد میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا عباسیوں نے جس کی گھڑی, وہ تو اپنی جگہ گھڑی ہوں گی کہ جو ابو ہریرہ ہے جسے 5000 حدیثیں مسلمانوں کی منقول کی جاتی ہیں, 5000 سے زیادہ ہے وہ پیغمبر کے دور کا ہے, اس کو عمر جو ہے کوڑے مروا رہا ہے کہ تم جھوٹی حدیث کرتے ہو, اور اپنی زندگی میں اس نے اس کو بین کر دیا کہ تم آج کے بعد کوئی حدیث بیان نہیں کرو گے. اور یہ وہ راوی ہے جس کو آج عالم اسلام اور بخاری اور مسلم سب سے مستند عالم مانتے ہیں. اب آپ کیا کریں, ینگ سا تھا اس ٹائم, وہ اینڈ پہ بچا ہے سب سے. جی ہاں بالکل, وہ سب سے آخری میرا ہے. جب کہتے ہیں کہ پہلی حدیثیں انہوں نے اکٹھی کرنی شروع کی ہیں تو یہ محدث کافی مشہور ہو گیا تھا اس ٹائم, ٹھیک ہے, معاویہ اور یزید. یہ بالکل غریب سا تھا, اور یہ وہاں پہ وہ مسجد میں جو صفا والے جو لوگ تھے ان کے ساتھ رہا کرتا تھا, پھر آہستہ آہستہ جب بنو امیہ کا دور آیا تو اس کا وظیفہ لگا, اور ہی when he died he had like I guess 2 lakh dirhams, اور اس کے پاس گھوڑے بھیڑ بکریاں اور ایک جائیداد کا مالک بن کے مرا. تو it was all about money, it was all about power, it was all about authority, so it was nothing more than that. وہ تو بس انہوں نے بیٹھ کے ادھر مذہب بنایا ہے, انہوں نے بس کر دیا سب کچھ. چلیں ٹھیک ہے, اور کوئی بات کریں گے آپ؟ چلیں آپ سے بات کر کے دوبارہ آئیے گا ضرور, ٹھیک ہے, چلیں. اوکے جی, اوکے, ٹیک کیئر, بائے بائے.